अनीश कुमार रिंकू सच दिखाने की जज्बा के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सच की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि समय के साथ आप तक हमारी खबरें पहुंच सके। आइए खबरों पर डालते हैं एक नज़र। बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री पहुंचे बुधौली गांव, हत्या के शिकार पीड़ित मुखिया परिवार से मिल न्याय का दिलाया भरोसा। रविवार की देर दोपहर को बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा पकरी बरामा के बुधौली गांव पहुंचे। इस दौरान वे बुधौली पंचायत के हत्या के शिकार पप्पू मुखिया हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलकर इस विकट घड़ी में धैर्य से काम लेने की बात कही एवं कहा कि जब तक मुखिया के परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीड़ित मुखिया के परिवार से मिलने भेजा है। वह सभी घटनाओं को माननीय मुख्यमंत्री के पास रखेंगे ताकि हत्या के शिकार पीड़ित मुखिया के परिवार को उचित न्याय मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि वह हत्या के कारणों का हाल जाना है, दोषियों को कड़ी सजा मिले इसके लिए वह नवादा के पुलिस अधिकारियों से भी इस पर बात रखेंगे ताकि समय से अपराधियों को सजा दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि घटना में पंचायत के उप मुखिया एवं पप्पू मुखिया को चुनाव के मैदान में उतारने वाले शहीद तानी का नाम सामने आया है जिसके लिए पुलिस जांच कर रही है। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा कुछ योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने का निर्देश वीडियो को दिया गया है जिसमें पीड़ित परिवार के दो बच्चे को 3 साल तक प्रति बच्चा 4,000 रुपये, दो बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रदान किए जाएंगे तथा पंचायती राज के तहत मिलने वाले 5,00,000 रुपये एवं अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर जदयू नेता रविकांत कुमार उर्फ अजय सिंह, भाजपा नेता मनोज सिंह, विजय सिंह सहित कई अन्य मौजूद थे। सुनिए क्या कहते हैं मद्य निषेध मंत्री। मांझी हत्या कांड के बाद आप पहुंचे उस गांव में, पीड़ित परिजनों से क्या सुनने को मिला और घटना के बारे में आपको क्या जानकारी मिली? घटना राजनीतिक रंजिश था, जैसा कि हमको उनके परिवार से समझ में आया। कोई उपमुखिया था और उनके कहने पर कहीं गया था पप्पू मांझी, लौट के नहीं आया। हम पेपर में भी पढ़े थे, हम तो इस बीच में था दूसरे जगह चले गए। अभी समय मिला तो हम अजय भाई संपर्क करके और बुढ़ौना गए और देखे, और जो भी सरकार के अनुकूल प्रावधान होगा उनको या जो भी व्यवस्था करने का वो सरकारी नियम के अनुकूल मिलेगा, और जो जो दोषी होगा उसको सही जांच करके बक्से नहीं जाएंगे। मतलब यही तो देखिए, यही तो सवाल है कि कुछ दिनों पहले संतोष मांझी भी जो आप ही के साथ कैबिनेट में मंत्री हैं वो भी आए थे, उनको इस परिवार के लोगों ने कहा कि हम जांच से संतुष्ट नहीं है, क्या आपका भी वही कुछ करना है क्या? वो जांच से संतुष्ट रहे नहीं रहे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा तब अपने समझ में आ जाएगा उसको कौन क्या किया। तो जांच किस दिशा में चल रही है, मतलब कुछ आपके अधिकारियों से बात हुई है इस मामले में क्या? हमको इससे 8 रोज पहले जब हत्या हुई थी उसके 2 रोज बाद हम एसपी से बात किए थे, तो एसपी साहब हमको ये जानकारी मिला कि उस महिला को पकड़ के दबंग लोग अंदर में किए हुए हैं। हम एसपी से पूछे, एसपी कहा ऐसी कोई बात नहीं है, महिला से हम बयान लिए हैं और महिला स्वच्छ मन से बयान दिया है, बात किए थे। उनकी पत्नी से बात, पत्नी क्या बोलती है, मतलब क्या कुछ आपसे डिमांड की है मंत्री? हमसे अभी कोई डिमांड नहीं किया है, हमने कहा जो इसका श्राद्ध कर्म है वो करके आओ। वीडियो था, बगल में बैठे हुए खड़ा थे और वीडियो से हम पूछे तो कबीर अंत्येष्टि पारिवारिक लाभ, और उन्होंने कहा पंचायती राज व्यवस्था के तहत इनको 5,00,000 रुपया देने का काम करेंगे, श्रम विभाग से 2,00,000 रुपया, 1,00,000 पहले था अब 2,00,000 हो गया है, 2,00,000 दिलाने का काम करेंगे, और उनके 2 छोटे-छोटे बच्चा है उस बच्चा को पेंशन के आधार पर 4,000 रुपया मंथली दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर तैयार है। SC ST एक्ट वाला भी कोई मामला आ रहा था कि SC ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की गई पुलिस के द्वारा जिसके कारण हम FIR नहीं देखे हैं। जो मंत्री संतोष मांझी बोले FIR हम देखे हैं, SC ST एक्ट नहीं लगा हुआ था उसमें, कैसे नहीं लगेगा, वो देखने में उसको भूल हुआ होगा, देख लेंगे हम FIR तब बताएंगे। SC ST उसमें लगा हुआ नहीं है सर, SC ST उस FIR में नहीं लगा हुआ है, तो हम देख लेते हैं, SP से बात करेंगे।
अच्छा, ये आपका एक्साइज डिपार्टमेंट लगातार प्रयास के बावजूद अब तो मद्य निषेध ज्यादा बोलता है, एक्साइज कम बोलता है लोग, तो उसमें मतलब लगातार प्रयास के बावजूद भी एक जो सफलता मिलनी चाहिए, जो बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी का जो सोच है, जो प्रयास है, वो सफलता नहीं मिल पा रही, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, विपक्षी लोग दारू लग बेचता है तो जो लोग हमारे साथ शपथ खाए थे विधानसभा में, सब आदमी 243 आदमी शपथ खाए थे हम बिहार में पूरा पूर्ण रूप में शराबबंदी लागू करेंगे, और वही लोग बाद में पीछे हट गए, और जो लोग अभी उसका विरोध कर रहा है जो शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ नहीं अगर लागू है तो पहले जिस तरह शराब पी करके रोड पर हंगामा करता था तो हंगामा करके दिखा दे। वही तो आरोप है कि बड़ी मछलियाँ ये सब काम कर रहा है, छोटी वो हम जब से बने हैं बड़ी मछलियाँ जितना भी होगी, अब इस बीच में तो इलेक्शन था, जितने भी बड़ी मछलियाँ होगी बॉर्डर से पार होता होगा, उसको हम सेक्रेटरी से बात किए हैं और दूसरे दूसरे राज्य के सेक्रेटरी से बात करके इस पर चर्चा चल रही है, आगे आने वाला समय में आपको बेहतर दिखाई देगा।